इसको पहले हमने कोयले रखे हैं जो सीखों में यूज होते हैं, और लकड़ियाँ रख के इसको जी पूरी तरह हम ये छापर इसको जला लेते हैं जी। हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल आपका भाई एक नए व्लॉग के साथ हाजिर है। तो जी मैं अपने पुराने दो शेफ अहमद रजा भाई और साथ हैं जी अली रजा भाई। विलेज स्टाइल में हम कुकिंग करेंगे, क्या चीज ट्राई करने वाले हैं आज? ये एक नए स्टाइल में चिकन चरगा, चिकन चरगा जी हम ट्राई करेंगे, काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है। नए स्टाइल में जी चिकन चरगा तैयार करने वाले हैं, वीडियो एंड तक आपने लाजमी देखनी है। तो जो भी सामान रिक्वायर्ड था वो हम ले आए बाजार से जाके, तो मिलते हैं अपने डेरे पे जहाँ हमने कुकिंग करनी है। गाइस पहुंच चुके हैं जी हम अपना सारा साजो सामान लेके जहाँ हमने कुकिंग करनी है। पहले सबसे पहले चटाई को पीछे बिछा देते हैं, इधर पूरा ऊपर जी दरख्तों का साया भी हमारे पास मौजूद है, लेकिन टाइम भी काफी हो चुका है, तकरीबन 4 का टाइम होने वाला है। हमने जो है ना इसको पंजाबी में लोडा वेला कहते हैं, लोडा वेला चूज किया है। दोनों शेफ जी बिजी हो चुके हैं, ये सामने ही हमारे फुल चरगे हैं दो, देख सकते हैं आप। इसको हमने जी सबसे पहले कट्स लगाने हैं जो कि हमारे शेफ अहमद रजा भाई लगा रहे हैं, चेक कर सकते हैं आप। हर साइड पे जी हल्के हल्के कट लगा लेने हैं, दोनों चरगों पे हम कट लगाएंगे। उधर रजा भाई जी लहसुन छील रहे हैं, फुल पीसीज हैं जी लहसुन के। उधर साथ हमारे जो आइटम्स रिक्वायर्ड हैं वो हमने लगाई हुई हैं। सबसे पहले जी कट्स लगा के इसको जो साजो सामान रिक्वायर्ड है वो हमने जी तैयार करना है, फिर इसको लगाना है जी अपने चरगे को। कट्स वगैरह हमारे लग चुके हैं जी चरगों को, अब जो हमने लहसुन तैयार किया जी ये चेक कर सकते हैं आप। इसके एक एक पीस को जी चरगे में रखते जाएंगे ऐसे, इसकी बहुत ही मज़ेदार सी स्मेल आएगी आपको। जो कट्स हमने लगाए हैं जी ये चेक करें, जितने भी कट्स हैं उसको भर देंगे। जो भी अब सामान हमने लगाना है अपने चरगे को वो रेडी करते हैं। सबसे पहले ऑयल है जी, जैतून का तेल भी आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन हम इधर ऑयल यूज़ करेंगे जी। अपने जी चरगे के हिसाब से हमने ऑयल डाल लिया देते हैं। ये है जी अदरक का पाउडर, लहसुन का पाउडर जी, ये सॉरी ये तिक्का मसाला है, तिक्का मसाला। मिर्चें ऐड कर लेते हैं जी, मिर्चें क्योंकि हमने तिक्का मसाला भी ऐड किया उस हिसाब से मिर्चें हम कम ऐड करेंगे। नमक है जी और हल्दी, ऐड करने के बाद इसको अच्छी तरह हिला लेना आपने। अब इसको लगाते हैं जी अपने चरगे को, हल्का हल्का जी ऊपर पेस्ट टाइप हमने जी पूरे चरगे में, इसको चरगा डिप होना चाहिए, ये जो हमने कट्स लगाए हैं इसके अंदर जाना चाहिए। गाइज इधर हमने जी एक पंजाबी में से खड्डा कहते हैं, और इसको जगह जी इतनी खाली करेंगे हम जहां हमने अपने जो चरगे तैयार करने हैं। अहमद रजा भाई गाइज हमने जो खड्डा निकालना था वो निकाल लिया, अब इसमें ईंटे रख देते हैं लेवल करके। पहले हमने कोयले रखे हैं जो सीखों में यूज होते हैं, और लकड़ियाँ रख के इसको जी पूरी तरह हम ये एक छापर इसको जला लेते हैं जी। आग किस कदर बढ़ चुकी है, नीचे सीखों वाले कोयले हैं और ऊपर लकड़ियों की आग जलाई है हमने, जो हमने तैयार किया था ना अपना जो खड्डा।
बटर पेपर रख के और ऊपर जो है ना चरगा हम रखेंगे बटर पेपर के साथ, फुल पैक कर देना इसको। एक चरगा हमने रख दिया, इसके ऊपर भी एक बटर रखेंगे। इसको फुली कवर्ड कर दिया एक चरगे को बटर पेपर के साथ, स्टीम पेपर। अब इसको कवर करेंगे बटर पेपर लगाने के बाद, स्टीम पेपर के साथ चरगे को कवर कर लेंगे। फुल कवर हो चुका है, आप चेक कर सकते हैं जी। अब इसी तरह दूसरे चरगे को भी कवर करते हैं और जो हमने उधर आग जलाई हुई है उसमें जाके अपने जो हमने तैयार किया उसमें रख देना जी। गाइस ये चेक कर सकते हैं, हमने जो अपना चरगा सिस्टम किया था स्टीम पेपर के ऊपर जी, हमने मिट्टी को लगाया है। क्योंकि ऐसे मिट्टी ना लगाते तो डायरेक्ट आग लगाते तो वो जल जाना, तो ऊपर अब मिट्टी लगा के इसको लकड़ियों के साथ आग को जी जलाना। हम चेक कर सकते हैं आप जी, ऊपर हमने फिर से एक दफ़ा आग जला चुकी है जी। चेक कर सकते हैं किस कदर भड़क रही है। इस तरह का आग मुसलसल हमको भड़काना पड़ेगी अगर ये हमने चरगे रेडी करने अपने। ये इधर इस तरफ ये एक चरगे का पीस हमें नजर, इसको भी फूली इस तरह आग से कवर करेंगे। जी पूरे एक या डेढ़ घंटा हम इसको आग को जला के रखेंगे, फिर अपने अंदाजे के मुताबिक जो है ना। देख सकते हैं जी आलू को हम भूने के साथ, चिकन चरगे के साथ साथ इसको आग में ऐसे ही फेंक देते हैं। ये इंशाल्लाह जो है ना सेक के साथ जो है ना कवर हो के ना इंशाल्लाह ये भी जी भुने हुए आलू के साथ ट्राई करेंगे। सेक बहुत ही ज्यादा है, आगे नहीं हुआ जा रहा आपकी। गाइस अभी चरगे में थोड़ी सी देर थी, आलू हमारे भून चुके हैं, चेक कर सकते हैं आप। मैंने सोचा इसको तो ट्राई करते हैं जी, ये कवर आलू का चेक कर सकते हैं किस तरह ब्लैक हो चुका है। इसका मतलब है जी आलू पक चुके हैं। ओए होए होए गर्मा गर्म। ये जो हमारी सगात है ये छोटे होते थे, छोटे जब हम बचपन में होते थे ऐसे आलू भून के खाते थे। अब हमें चाहिए थी जी लीमू, ये चेक कर सकते हैं पौधा फ्रेश लीमू इधर से उतारते हैं। ये चेक करें ये कुछ मैंने पहले भी उतारे हैं, ये देख सकते हैं आप, ये चेक करें। बीच बोली जाना बीच अपने कर सकते हैं। और शाम का टाइम हो चुका है और इधर हमारा जो सीन है जी अभी जारी है। अभी जी 45 मिनट हो चुके हैं जी मुसलसल आग जलाते हुए, आधा घंटा बाकी है अभी। अभी आधा घंटा लग जाना है, इधर हमें अंधेरा पक्की बात है ऐसी अली बात। अब मुझे मेरा ख्याल है कि इसको हम जब उठाएंगे ना तो किसी लाइट वाली जगह में जाना पड़ेगा, मतलब घर में जाना पड़ेगा, ऐसे इधर जी उन्हें काम ख़राब हो जाएगा। अहमदा भाई जी इसको मुसलसल जी हिला रहे हैं ताकि आग भड़क जाए। इधर जी अंधेरा हो चुका है और इधर हमारी आग डबल से ट्रिपल हो चुकी है, बट हमारा जो है ना चरगा तैयार नहीं हुआ। उधर जी बच्चा पार्टी भी आप चेक कर सकते हैं, ज्वाइन कर चुके हैं वो। सामने मून भी चेक करें, क्या बात है अली रजा भाई, समझ रहे थे शायद मुझे कहा मून, क्या आवाज है, मुस्कुराना यार थोड़ा सा। आए हाय हाय बच्चा, डेढ़ घंटा लगाने के बाद ये चेक करें जी, ये एक चरगा ये रहा और दूसरा रहा ये। अभी इसको जी जो मिट्टी हमने लगाई थी वो उखाड़ेंगे अपनी बैठक में जाके। अलीजा भाई चलो जी बैठक इंशाल्लाह, चलो जी चेक करें क्या बात। अब क्या बात है जी, अब इसको खोलने लगे हैं, देख सकते हैं माशाल्लाह खुशबू बहुत ही मज़ेदार आ रही है। ये अब हमने स्टीम पेपर उतारा है साथ बटर पेपर, तो उसको भी उतारा और लुक देख सकते हैं आप। अभी एक खोला है जी, दूसरा उधर पड़ा हुआ है उसको भी खोलते हैं, उसके भी आपको लुक दिखा देते हैं। कर सकते हैं जी फाइनल लुक हमारे होल चिकन चरगे की जो हमने तैयार किया जी बटर पेपर विद स्टीम पेपर के साथ, उसको जी आप कह सकते हैं मड ओवन में तैयार किया हमने। ये रही फाइनल लुक। और अब हैं जी हमारे साथ सऊदीया के मशहूर टिकटॉकर भी आप कह सकते हैं चाचू जान, हमारे जी आए हुए हैं सऊदीया से छुट्टी। और हमारी खुशकिस्मती है कि चाचू जान आप हमारे साथ हैं स्वस्थ बैठे हुए, ठीक है। तो ये रहा जी आपके सामने चरगा, अब इसको आपने ट्राई करना है और आपने ट्राई करके फुली बताना है जी कैसी हमारी है आज की रेसिपी। माशाल्लाह माशाल्लाह जी माशाल्लाह,
बेटा जबरदस्त माशा चस आ गई तो गाइस खुद भी टेस्ट करके आपको बता देते हैं जी। माशाल्लाह जी यकीन नहीं आ रहा जी आज हमने खुद तैयार किया ये 2 घंटे ऑलमोस्ट लग गए थे मीत करते आज की हमारी ये रेसिपी आपको पसंद आई होगी। बच्चा पार्टी हमें ज्वाइन कर चुकी है आप देख सकते हैं अभी फुल एंजॉय होगा बच्चा पार्टी के साथ। मिलते हैं आपको किसी नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए खुदा हाफिज़।